आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जो प्रताप स्कूल है, खेल के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। हमारी इन दो बेटियों ने साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इनको 10,000 रुपये से सम्मानित किया है और आगे भी और अच्छा ये दोनों बेटियां हमारी करेंगी। ये इन दोनों का प्रयास रहेगा। इसके लिए दोनों बेटियों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए भी मैं कामना करता हूँ इस प्रकार साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहेंगी। थैंक यू। प्रताप स्कूल खरखौदा के मुक्केबाजों ने जीते 9 मेडल। मुक्केबाजी में 9 मेडल जीतकर प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल को बनाया चैंपियन। प्रताप स्कूल खरखौदा प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल CBSE बॉक्सिंग प्रतियोगिता सोनीपत में हुई आयोजित, जिसमें प्रताप स्कूल खरखौदा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 4 रजत व 1 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीतकर लड़कों की अंडर 19 व लड़कियों की अंडर 19 व अंडर 17 प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहते हुए प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन को अपने नाम किया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा राज्य सोनीपत जिले ब्लॉक खरखौदा अपने माता पिता व प्रताप स्कूल खरखौदा का नाम रोशन किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों में अंडर 17 में हंसिका 60 किलोग्राम व साक्षी 57 ने स्वर्ण पदक, आशीष 46 व रिद्धिमन +80 ने रजत पदक, अंडर 19 में प्रिंस 60 व अंशु 52 ने स्वर्ण पदक, हर्ष +80 व कार्तिकेय 64 ने रजत पदक तथा कृष 75 ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं प्रताप स्कूल खरखौदा के बॉक्सर प्रिंस को प्रतियोगिता के बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला है। विद्यालय प्रांगण में सभी विजेता बॉक्सरों का प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, डॉक्टर सुबोध दहिया, राष्ट्रीय बॉक्सिंग पदक विजेता प्रशांत दहिया, बॉक्सिंग कोच संदीप लखी व नवीन ने मिठाई खिलाकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने विजेता बॉक्सरों को पदक जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बताया कि विद्यालय के बॉक्सरों व प्रशिक्षकों ने कड़ी मेहनत करके विद्यालय को चैंपियन बनाया है। विजेता खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है और लगातार कड़ी मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन करेंगे। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में खेलो इंडिया सेंटर व हरियाणा खेल विभाग द्वारा खेल नर्सरी खोली गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण व हरियाणा खेल विभाग के मार्गदर्शन और सहयोग से हम निरंतर खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम हंसिका है, मैं प्रताप स्कूल में ट्रेनिंग करती हूँ। अब मेरा CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल आया है। मैंने ये मेडल महाराष्ट्र की एक लड़की को हरा के जीता है। मेरे कोचेज संदीप सर और नवीन सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अब ट्रेनिंग करती हूँ, जो कि बहुत मेरे लिए लाभकारी रहता है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। ये मुझे जब पढ़ाई में भी अचीवमेंट से इससे माइंड शार्प हो रहता है और जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ाई और गेम एक साथ करना बहुत ही अच्छा लाभकारी रहता है। मेरा नाम हर्ष है, मैं प्रताप स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ गेम भी करता हूँ, बॉक्सिंग में। और CBSE नेशनल में मैंने दिल्ली के विद्यार्थी को, दिल्ली के प्लेयर को हरा के मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और मैं यहाँ पे 4 साल से रहता हूँ छात्रावास में, और मैं अपने कोचेज और अपने स्कूल का नाम रोशन करके लाया हूँ। और मैं यह आश्वासन देता हूँ कि आगे भी अपने कोचेज, अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल का ऐसे नाम रोशन करता हूँ। मेरा नाम प्रिंस है, मैं प्रताप स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं बॉक्सिंग करता हूँ। मैं 60 किलो में नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैंने तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बॉक्सर को हराकर अपनी फाइनल में जगह बनाई थी और सिरसा के बॉक्सर को हराकर मैं स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मैं प्रताप स्कूल में छात्रावास में रहता हूँ। मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपने कोच का, अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। मैं CBSE स्टेट जो नॉर्थ जोन हुई थी उसमें भी बेस्ट बॉक्सर रहा था और CBSE नेशनल में भी बेस्ट बॉक्सर रहा हूँ। 60 kg में अंडर 19 बॉयज़ में मैं बेस्ट बॉक्सर रहा। मेरा नाम अंशु है, मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मैं प्रताप स्कूल में ही बॉक्सिंग करता हूँ। मैंने महाराष्ट्र के बॉक्सर को हराकर CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
मैं गोल्ड मेडल जीतने पर प्रताप स्कूल का, अपने कोच साहब का और पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भी ऐसे ही अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ इंटरनेशनल मेडल जीत कर। मेरा नाम साक्षी, मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ती हूँ और गेम भी करती हूँ। यहाँ पे मेरे को नवीन सर और संदीप सर ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं अभी सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ 56 किलो में। मैंने सेंट्रल जोन की लड़की को हरा कर यहाँ गोल्ड मेडल जीता है और मैंने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, कोचेस का नाम रोशन किया है और आगे भी मैं सही मेडल लेके आऊँगी। मैं इंडिया कैंप होल्डर भी रह चुकी हूँ और अभी मैंने इससे पहले स्टेट नॉर्थ जोन सेकेंड में गोल्ड मेडल लिया था। मेरा नाम कार्तिक है, मैं प्रताप स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 1.5 साल से बॉक्सिंग गेम करता हूँ। मैंने इस सीबीएसई नेशनल में तमिलनाडु के बॉक्सर को हरा के सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, मुझे बहुत ही खुशी। तो इससे मैं और मेडल लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ जिससे मुझे सीखने में बहुत लाभ मिलता है। मेरा नाम रिद्धू मन है, मैं देहरादून का निवासी हूँ। मैं यहाँ प्रताप स्कूल में छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ पर मेरे को इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएँ मिलती हैं। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल लेवल के लड़कों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ जिसका मेरे को लाभ मिलता है और आज मैं सीबीएसई नेशनल में सिल्वर मेडल लाया हूँ। मैं आगे जाकर ओलंपिक में अपने देश को गोल्ड मेडल देने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं यहाँ 10th क्लास में पढ़ता हूँ और साथ ही साथ बॉक्सिंग गेम करता हूँ। यह जानकारी देते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बॉक्सर जो सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें 9 मेडल लेकर के अपने विद्यालय का, हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और इसमें अंडर 19 बॉयज, अंडर 19 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज तीनों कैटेगरीज में हम चैंपियन रहे हैं। और ये रिकॉर्ड की बात है कि इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल प्रताप स्कूल ने प्राप्त किए हैं। ये भी रिकॉर्ड की बात है कि जैसे पहले की भांति हम हर बार ऑल ओवर ट्रॉफी बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में जीतने में सक्षम रहे हैं। ये सारा का सारा श्रेय यहाँ प्रबंधन कमेटी के द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ियों को सुविधाएं हैं, हमारे जो दोनों कोच हैं संदीप जी और नवीन जी, ये नवीन जी खेलो इंडिया की तरफ से और संदीप जी विद्यालय की तरफ से, ये दोनों ही कोचेज बहुत मेहनत करवाते हैं और ये जो खिलाड़ी हैं ये शिक्षा के साथ साथ खेल का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टाइम टेबल सेट है वो बहुत ही अच्छा है जिसमें विद्यार्थियों का टाइम सेव करते हुए हम पढ़ाई के साथ साथ इनकी खेल की प्रैक्टिस करवाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इन खिलाड़ियों को भारत सरकार, हरियाणा सरकार निरंतर आशीर्वाद देती रहती है। इसके लिए मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार का भी आभारी हूँ। धन्यवाद। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।